हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर 2021 यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर 2021 के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 21 से 31 मई 2021 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें टॉप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। दोस्तों, आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना यह चैनल आगे नहीं जा सकता है, जहाँ मैं आपको प्रत्येक सप्ताह और महीने के करंट अफेयर का वीडियो अब तक पहुंचाता हूं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। समुद्र में सबसे ज्यादा वेस्ट किस महाद्वीप के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है एशिया। एशिया महाद्वीप के द्वारा समुद्र में सबसे ज्यादा वेस्ट किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें जो एशिया की टॉप नदियां हैं उनमें कौन कौन सी हैं। तो बासिंग फिलीपींस की पहली नदी है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दूसरी नदी बलांग जो मलेशिया की है। और भारत की तीसरी नदी यानी विश्व की तीसरी और भारत में है उल्हास नदी जो तीसरे स्थान पर है। भारत की गंगा भी इस लिस्ट में शामिल है। तो आपको याद रखना है समुद्र में सबसे ज्यादा वेस्ट एशिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR अप्रूव COVID-19 सेल्फ किट का नाम क्या है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है कोवी शेल्फ यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सबसे सही ऑप्शन है। ICMR के द्वारा हाल ही में COVID-19 सेल्फ किट का अप्रूवन दिया गया है। दोस्तों, बात आई है ICMR की, तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। ICMR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च होता है। इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके जो जनरल हैं या डायरेक्टर हैं वह बलराम भार्गव हैं। तो आपको इतना ICMR के बारे में याद रखना है। वुमेन अंडर 17 फुटबॉल कप का आयोजन कब किया जाएगा? दोस्तों, इस कप का आयोजन 2022 में भारत में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहले इसका आयोजन 2020 में किया जाना था, लेकिन अब इसका आयोजन 2022 में भारत में किया जाएगा। वुमेन अंडर 17 फुटबॉल कप का आयोजन। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा आदमी कौन बना है? तो इसका सही ऑप्शन है गौतम अडानी। गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे बड़े आदमी बने हैं। दोस्तों, अगर बात करें पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर हैं मुकेश अंबानी। चलिए आपको बताएं मुकेश अंबानी की जो कुल नेटवर्थ है उनकी कितनी है। तो 5.58 लाख करोड़ रुपए मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है। वहीं गौतम अडानी जो दूसरे स्थान पर है उनकी जो नेटवर्थ है वह 4.85 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। ईवाई अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इसमें भारत का तीसरा यानी थर्ड स्थान है। ईवाई के द्वारा जो अक्षय ऊर्जा सूचकांक रैंक जारी की गई उसमें यानी ईवाई जो एक मैगजीन है उसके द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी इंडेक्स जारी की गई उसमें भारत की रैंक थर्ड बताई गई है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको याद रखना है। दोस्तों, इसमें फर्स्ट रैंक पर है यूएसए और सेकेंड पर है चाइना। एक और इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, ईवाई की ये 57वीं लिस्ट है। राजकुमार केसरवानी का हाल ही में निधन हुआ, ये कौन थे? तो दोस्तों, राजकुमार केसरवानी एक जाने माने पत्रकार थे यानी जर्नलिस्ट थे जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी पर पहली खबर राजकुमार केसरवानी के द्वारा ही दी गई थी। खोजी पत्रकारिता के लिए दुनिया भर में मशहूर थे राजकुमार केसरवानी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला शहर जिसे संगीत शहर बनाया जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ग्वालियर। ग्वालियर को मध्य प्रदेश में पहला संगीत शहर बनाया जाएगा। द फर्स्ट सिटी इन द स्टेट टू बी मेड अ म्यूजिक सिटी, इसका सही ऑप्शन है ग्वालियर यानी सेकंड ऑप्शन सही है। दोस्तों, आपको बता दें पहला संगीत शहर चेन्नई को और दूसरा संगीत शहर वाराणसी को बनाया गया था, और अब ग्वालियर को तीसरा संगीत सिटी या म्यूजिक सिटी मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। दोस्तों, बात आई है ग्वालियर की, तो चलिए आपको मैप में ग्वालियर के बारे में बताते हैं और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। मैप में आप ये देख पा रहे होंगे ये लोकेशन है ग्वालियर शहर की। ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपनचाल था। मध्य प्रदेश राजस्व और महालेखाकार कार्यालय अबकारी विभाग का मुख्यालय ग्वालियर में ही स्थित है। मोहम्मद गौस का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में ही स्थित है। एशिया का प्रथम शारीरिक परीक्षण महाविद्यालय भी ग्वालियर में ही बनाया गया है। विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 2007 में स्थापना की गई थी। ग्वालियर के किले
किलों का रत्न भी कहा जाता है। सोन चिड़िया के लिए घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में ही प्रसिद्ध है। तेली का मंदिर द्रविड़ शैली में उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर ग्वालियर में ही बनाया गया है। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हमने ग्वालियर के बारे में चर्चा की, आपको याद रखना है, एग्जाम से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हुआ, ये कौन थे? तो दोस्तों ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता थे। सुंदरलाल बहुगुणा हैज पास्ड अभी रिसेंटली, हु वाज ही? तो ही इज एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। तो इसका सही ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें इनकी उम्र 94 वर्ष थी, यानी 94 ईयर के थे, और इनको पेड़ों की पितामह के नाम से जाना जाता था। चिपको आंदोलन के प्रणेता भी कहे जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। 2009 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको इतना इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस INS को रिटायर किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है INS राजपूत। INS राजपूत ने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। दोस्तों 41 ईयर की सर्विस के बाद INS राजपूत हाल ही में रिटायर हुआ है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है, जो इसमें इस लिस्ट में मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बन गया है? तो दोस्तों ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला मध्य प्रदेश फिफ्थ स्टेट बन गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। दोस्तों आपको बता दें इससे पहले 4 राज्यों ने महामारी घोषित कर चुका है, उनके नाम क्या क्या है? तो हरियाणा पहला राज्य था जिसने इसको महामारी घोषित किया था, दूसरा राजस्थान, तीसरा यूपी और चौथा एक यूटी चंडीगढ़ ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था। इसके बाद मध्य प्रदेश 5वां राज्य बन चुका है। दोस्तों बात आई है मध्य प्रदेश की, तो चलिए आपको मैप में इसकी लोकेशन के बारे में दिखा दें। ये मध्य प्रदेश है, भारत की मैप है। बात करते हैं इसके गठन की, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, राजधानी भोपाल है। आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो भाजपा से हैं। विधानमंडल की 230 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश के पुरस्कारों की, तो कालिदास शिखर सम्मान, तानसेन लता मंगेशकर, शरद जोशी और कुमार गंधर्व पुरस्कार दिए जाते हैं मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ काना केसली, माधव पंजा पन्ना, पीच, सतपुड़ा और वन विहार प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश में। दोस्तों सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भारत में है तो वो मध्य प्रदेश में है। बात करें अगर जलप्रपात की, तो चचाई, बहुटी, धुआंधार, कपिलधारा और धुआंधार या दुग्धधारा, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात हैं। बरगी, राजघाट, वाणसागर, तवा, गांधी सागर और वारणा, ये प्रमुख बांध है मध्य प्रदेश में। तो इतना सब आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। निम्न में से किस मूवी में राम लक्ष्मण ने अपना संगीत दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ये सभी, यानी मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं। इन सभी मूवियों में राम लक्ष्मण जी ने संगीत दिया है। दोस्तों इनका हाल ही में निधन हुआ, ये एक म्यूजिक कंपोजर थे, 78 इनकी उम्र थी जब इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलिट्री अभ्यास किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ओमान। भारत ने ओमान के साथ मिलकर हाल ही में मिलिट्री अभ्यास किया है। दोस्तों आपको बता दें भारत और ओमान के बीच जो भी युद्ध अभ्यास होते हैं उनके बारे में, तो आर्मी की जो एक्सरसाइज होती है उसे हम अल निगाह के नाम से जानते हैं। एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच होती है उसे हम ईस्टर्न ब्रिज के नाम से जानते हैं, और जो नेवल एक्सरसाइज होती है भारत और ओमान के बीच उसे हम नसीम अल बहर के नाम से जानते हैं। तो ये तीन एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच अलग अलग, यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई है? तो इस योजना की शुरुआत हाल ही में उत्तराखंड में की गई है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, उत्तराखंड। आपको बता दें COVID-19 से अनाथ बच्चों के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। दोस्तों वर्तमान में जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं वह तीरथ सिंह रावत बने हैं। बात आइए उत्तराखंड यानी यूके की, तो चलिए आपको मैं इसके बारे में बताती हूं। ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड की है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। राजधानी देहरादून और गरसैंण, ये दोनों राजधानियां हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्यमंत्री दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं, यहां पर जो हाल ही में बने हैं वह तीरथ सिंह रावत बने हैं। राज्यसभा की 3 और लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं उत्तराखंड में। तो इतना आपको यूके के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र बत्रा को कहां का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है FIH। FIH का नरेंद्र बत्रा को हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
दोस्तों 2024 तक ये FIH के अध्यक्ष पद पर रहेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ये बता दें, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी नरेंद्र बत्रा ही हैं। दोस्तों अब ये FIH होता क्या है आपको इसके बारे में बता दें। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होता है, जिसके CEO थेरी वेले हैं। उसका हेडक्वार्टर लुसेन स्विट्जरलैंड में है। तो इसका हाल ही में अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को बनाया गया है। ओडिशा तट से हाल ही में कौन सा तूफान टकराया है, तो इसका सही ऑप्शन है यास। हाल ही में जो ओडिशा तट से टकराने वाला तूफान है वह यास है, और जो भारत के पश्चिमी तट से टकराया था वह ताऊते है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यास। दोस्तों आपको बता दें यास का जो नाम रखा गया वह ओमान के द्वारा दिया गया है, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। अंकुर योजना किस राज्य में लाई गई है, तो दोस्तों अंकुर योजना मध्य प्रदेश में लाई गई है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, अंकुर योजना मध्य प्रदेश में लाई गई है। अब वो योजना क्यों लाई गई है, तो मानसून में पेड़ वितरित किए जाएंगे, वायुदूत ऐप पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, और वृक्षारोपण अभियान में भी भाग ले सकते हैं। अंकुर योजना इसलिए लॉन्च की गई है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सके मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो दोस्तों हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। दोस्तों आपको बता दें बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी हाल ही में जो है वह हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। बात आई है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो आपको इसके बारे में बता दें इसका फॉर्मेशन 1934 में किया गया था। इसका जो अध्यक्ष है पॉल एरिक हैमर है, और जो हेडक्वार्टर है वह कुआलालंपुर मलेशिया में है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 2021 में जो थीम रखी गई है वह टर्टल रॉक्स, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल में पहली बार फैन हॉल ऑफ फेम में शामिल हाल ही में कौन हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन है नव भाटिया। नव भाटिया बास्केटबॉल में पहली बार फैन हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। दोस्तों हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कोबी ब्रायंट, माइकल जॉर्डन जैसे खिलाड़ी हैं, उसी में भारत के नव भाटिया को शामिल किया गया है। मध्यप्रदेश अनुकंपा नियुक्ति में कितनी आयु सीमा रखी गई है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कोई भी आयु सीमा मध्यप्रदेश की अनुकंपा नियुक्ति में नहीं रखी गई है। कोविड-19 के दौरान जो भी अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी उसमें कोई भी आयु सीमा नहीं रखी गई है, यानी किसी भी उम्र के जो भी कोविड-19 से प्रभावित बच्चे या जो भी उनके फैमिली वाले हैं उनके लिए अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी। भारत में कृषि परियोजनाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो भारत ने कृषि को बेहतर क्रियान्वयन और कृषि परियोजनाओं के लिए हाल ही में इजराइल के साथ समझौता किया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इजराइल। दोस्तों आपको बता दें 1993 में यह समझौता किया गया था, यह पांचवी योजना है, यानी जो 93 में समझौता किया गया था उसी को आगे बढ़ाया गया है इसराइल के साथ। हाल ही में सुबोध कुमार जायसवाल को किस संस्था का प्रमुख बनाया गया है, तो दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल को हाल ही में CBI का प्रमुख बनाया गया है। दोस्तों 1985 IAS के जो IAS कैडर के अधिकारी हैं सुबोध कुमार जायसवाल, आपको बता दें अभी ये CISF के भी चीफ हैं। दोस्तों बात आई है CBI की, तो चलिए आपको इसके बारे में बता दें। CBI का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। इसका जो मोटो है वह इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी रखा गया है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसका जो फॉर्मेशन किया गया था वह 1942 यानी 1942 में किया गया था। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो इसका सही ऑप्शन है बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इनकी पहली डेथ एनिवर्सरी पर मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम किया गया है। किस देश के अड्डू शहर में नया दूतावास बनाया गया है, तो इसका सही ऑप्शन है मालदीव। मालदीव के अड्डू शहर में भारत ने अपना एक नया दूतावास बनाया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। दोस्तों बात आई है मालदीव की, तो चलिए आपको इसकी लोकेशन के बारे में बता दें। ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये मालदीव है, इसकी राजधानी माले है। जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है वह इब्राहिम मोहम्मद सोले हैं। जो इंडिपेंडेंस इसको मिली थी वह 26 जुलाई 1965 में मिली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कहाँ नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है भोपाल। भोपाल में पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भोपाल। आपको बता दें भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल ने एक पौधे की नई प्रजाति की खोज की है जिसे डिडी मोर्कपस बिकी फंडिया के नाम रखा नाम किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भोपाल। बताइए भोपाल की, तो आपको इसके लोकेशन और कुछ जानकारी इसके बारे में दे। तो दोस्तों मैप में आप ये लोकेशन देख पा रहे होंगे, ये भोपाल की लोकेशन है मध्य प्रदेश के मैप में। मध्य प्रदेश की झीलों और पहाड़ों पर बसा शहर है। सर्वाधिक जनघनत्व आपदा प्रबंधन संस्थान वन विहार नेशनल पार्क भी भोपाल में ही स्थित है। 1960 में ब्रिटेन की सहायता से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना की गई थी। देश का प्रथम मॉडल ब्लड बैंक बनाया गया है भोपाल में। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भी भोपाल में ही लगाया गया है। चार्ल्स कुरिया द्वारा भारत भवन बनाया गया है भोपाल में। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल भोपाल में ही स्थित है। प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसे 1985 में बनाया गया था भोपाल में ही स्थित है। ये कुछ फैक्ट हुए भोपाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के द्वारा किस देश में एक पोर्ट सिटी बनाई जा रही है? जिसका सही ऑप्शन है श्रीलंका। श्रीलंका में चीन के द्वारा एक पोर्ट सिटी डेवलप की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें ये जो पोर्ट सिटी है वह 153 एकड़ में फैली है और 99 साल की लीज पर दी गई है श्रीलंका के द्वारा चीन के लिए। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेहत पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेहत पोर्टल हाल ही में हमारे राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपको बता दें सेहत का फुल फॉर्म सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन रखा गया है। ये सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करेगा। इसका फुल फॉर्म सेहत मैंने आपको बताई दिया है। ये पोर्टल सशस्त्र सीमा बलों के लिए टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध कराएगा। पेम्पा सेरिंग हाल ही में कहां के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये हैं तिब्बत। पेम्पा सेरिंग तिब्बत के प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों आपको बता दिए सेकंड प्रधानमंत्री हैं तिब्बत के। पहले जो प्रधानमंत्री हैं वह लोब संग सांगे हैं और दूसरे पेम्पा सेरिंग बने हैं। आपको बता दें निर्वासित तिब्बत सरकार जो भारत की धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में निवास करती है वहीं से यह अपनी सरकार का क्रियान्वयन करती है। तो यहाँ के जो तिब्बत के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वह पेम्पा सेरिंग है जो सेकंड है। वीर सावरकर की 2021 में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनकी 138वीं जयंती मनाई गई है 2021 में। तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। इनकी दोस्तों इनका जन्म 1883 में हुआ था। इनकी बुक का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। ये बुक आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। होम आइसोलेशन हेतु MHIM ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों मणिपुर के द्वारा ये होम आइसोलेशन ऐप MHIM ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों इससे मरीज पल्स रेट, हृदय गति, रक्तचाप, शरीर तापमान आदि की भी जानकारी दर्ज की जा सकती है और होम आइसोलेशन में व्यक्ति है या नहीं इसकी भी जानकारी इस ऐप के द्वारा लगाई जा सकेगी। तो ये ऐप मणिपुर में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन योजना शुरू की गई है किसके द्वारा? जिसका सही ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन योजना हाल ही में शुरू की गई है। अनाथ बच्चों जो 18 साल से ऊपर हैं उनको 5 साल तक के लिए आर्थिक मदद साथ ही स्वास्थ्य बीमा भी इस योजना के द्वारा दिया जाएगा। 23 साल के होने पर 10 लाख रुपए की मदद इस योजना के द्वारा दी जाएगी। स्कूली शिक्षा खर्च सरकार उठाएगी ऐसा इस योजना में बताया गया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हमने इस योजना के बारे में बात की जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। एस जयशंकर हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है यूएसए। यूएसए की यात्रा पर हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हैं। दोस्तों आप बता दें इस पर जो मुद्दे हैं वह वैक्सीन, चीन भारत के साथ विवाद, द्विपक्षीय व्यापार, अफगानिस्तान बर्मा के मुद्दे पर आदि चर्चा की जाएगी। भारत के जो विदेश मंत्री हैं वह एस जयशंकर हैं और जो यूएसए के विदेश मंत्री हैं वह एंटोनियो ब्लिंकन हैं। बताइए यूएसए की, तो चलिए आपको मैप में इसके बारे में बता दें। ये लोकेशन आप देख पा रहे हो यूएसए की है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, राष्ट्रपति जो बाइडेन है। दोस्तों जो मुद्रा है वह यूएस डॉलर है। डेजर्ट यहाँ पर ग्रेट बेसन डेजर्ट, सोमरन डेजर्ट, मोजेब डेजर्ट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो झीलें हैं उनके नाम सुपीरियर झील, हुरन झील, मिशिगन और ग्रेट साल्ट लेक है।
तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हमने चर्चा की यूएसए के बारे में। केंद्रीय रिजर्व बल का महानिदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है कुलदीप सैन। कुलदीप सैन को हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक चुना गया है। दोस्तों एनआईए का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी कुलदीप सैन को दिया गया है। अब ये एनआईए क्या है आपको इसके बारे में बता दें, तो एनआईए का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। इसका फॉर्मेशन 2009 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो अतिरिक्त प्रभार है वह कुलदीप सैन को ही दिया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की 21 से 31 मई 2021 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उसके बारे में। दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इस आईडी पर मेल कर सकते हैं, साथ ही आप कॉमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपकी रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।